शरद बताएं कौन से स्टॉक में आज खबर है आपके पास? प्रियंका, उसके पहले जो है मैं बता दूं कि विजया डायग्नोस्टिक जो है हम लोग खबर गर्म में सेगमेंट पे लास्ट वीक पे लिए थे और आज जो है स्टॉक में बाइंग देखने मिल रही है। स्टॉक लगभग 3% ऊपर है। हमने लास्ट वीक ही कहा था कि यहाँ पे HNI और DI की बाइंग देखने मिल रही है और आज भी स्टॉक में जो है स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। लेकिन आज के स्टॉक पे फोकस करते जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेगा और हमने जो है ट्रेडर्स के साथ बातचीत की है और वो स्टॉक सामने आ रहा है वो है होम फर्स्ट फाइनेंस। यहाँ पे जो है ट्रेडर्स बता रहे हैं कि कुछ कुछ काउंटर्स में DI बाइंग यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स की बात करें तो लगभग 7x 20-day एवरेज पे है और जो ऑलरेडी DIs ऑलरेडी निवेश किए हुए हैं स्टॉक में वो इंक्लूड करते हैं इन्वेस्को म्यूचुअल फंड और ABSL म्यूचुअल फंड। लगभग 2-2.5% की स्टेक जो है दोनों की कंबाइंड बेसिस पे है। अब याद रखिए इंपॉर्टेंट बात है कि रियल्टी स्टॉक्स में ऑलरेडी हमने तेज़ी देख ली है। Q2 सेगमेंट में भी अपडेट्स अच्छा हैं। अब उसका रब ऑफ इफेक्ट जो है आपको देखने मिल रहा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में और एक पोटेंशियल रिवाइवल एक्सपेक्टेड है हाउसिंग फाइनेंसिंग सेगमेंट को लेकर, स्पेशली अगर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की जो बात चल रही है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? लो टू मिड टीयर के जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके लिए ये बेनिफिट होगा। ये जो टिकट सेगमेंट आते हैं और ये कंपनी जो है इस सेगमेंट में जो है ओवरऑल डिलीवरी देती है। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक और पॉजिटिव ट्रिगर है क्योंकि अब HDFC जो है अब्जॉर्ब हो गया HDFC बैंक में और उन दोनों की मर्जर हो गई है, तो प्राइमरी डेट मार्केट्स में जो है एक टाइप से वैक्यूम आया जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है वो मार्केट शेयर वहाँ पे वो ले सकती हैं। और इम्पोर्टेंटली अगर देखें तो लगभग 21 एनालिस्ट ट्रैक करते हैं स्टॉक को, उसमें से 20 एनालिस्ट का अभी भी बाय रेटिंग है, यानी कि 95% से ज़्यादा का एनालिस्ट का अभी भी बाय रेटिंग है। स्टॉक में तेज़ी भी देखने मिली है तो इस स्टॉक को अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। DI बाइंग देखने मिल रही है, ये ट्रेडर्स का मानना है। वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट शरद ना सिर्फ खबर बता रहे हैं, हमें लॉजिक और रीजनिंग भी बता रहे हैं। उन्होंने अपनी डिपस्टिक भी की है, कई सारे एनालिस्ट की रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद ये स्टॉक लाया और रीज़न बहुत वैलिड उन्होंने बताया कि होम फर्स्ट फाइनेंस में इस वक्त एक्चुअली में लेना भी क्यों चाहिए। और आप देखें तो जितने भी होम फाइनेंसिंग काउंटर्स है, चाहे वो एप्टस हो, आवास हो, होम फर्स्ट फाइनेंस हो, इन सब में आपको रीज़न भी दिख रहे हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्पेस भी अच्छा चल रहा है। तो और यहाँ पर खबर उनके पास है कि यहाँ DIs की बाइंग हो रही है, होम फर्स्ट फाइनेंस पर आप ज़रूर नज़र बना के रखें। ठीक, दोनों चार्ट चेक करके बताएं, दोनों के रीज़न, दोनों के अपने आपको रीज़न्स और ट्रिगर्स पॉइंट्स भी बताएं, कहाँ पर इस वक्त एक ट्रेड लेंगे अगर आपको लेना होगा तो। ध्वनि, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। एंड प्रियंका, यहाँ पे अगर हम होम फर्स्ट की चार्ट देखते हैं तो होम फर्स्ट की चार्ट में यहाँ पे अगर दिख रहे हैं तो 2022 के जो हाई बनाए थे उसी हाई के पास अगर यहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, इसका यहाँ से ब्रेकआउट होना काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। 1000 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो यहाँ पे इसके अंदर फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। ओवरऑल स्टॉक की ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड बनी हुई है, वॉल्यूम्स का भी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट कंफर्टेबल पोजीशन जो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल बनेगा वो 1000 के ऊपर ब्रेकआउट होने पे यहाँ पे बनता है। इंडसइंड बैंक का भी अगर हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे है वो एक रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। इनफैक्ट पिछले एक महीने का अगर हम यहाँ पे ओवरऑल डेटा एनालाइज करते हैं तो 1460 का लेवल है इंडसइंड बैंक में जो हम ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। करंट लेवल से वापस हम जो चैनल है उसके बॉटम साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, नीचे की तरफ का जो जोन बनता है तो यहाँ पे 1390 का यहाँ पे जोन बनता है जहाँ पे स्टॉक को वापस सपोर्ट लेना चाहिए। तो दोनों ही स्टॉक में अभी फिलहाल मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी, जो लेवल स्पेसिफिक है उसमें इसमें ध्यान रखा जाए, बाकी ट्रेड यहाँ पे